जुमेरात को जो है उसके ऊपर एक जो फाइनल कंक्लूसिव मीटिंग होगी। कल और परसों में हम तमाम सूबों से उस पॉलिसी के मुतल्लिक हम गुफ्तगुशनीद करेंगे, उनकी राय लेंगे और उनकी राय को इनकॉर्पोरेट करके। ये टेलीफोन ज़रा थोड़ा सा जो है इनको बंद कर दे, जिसका भी टेलीफोन बंद कर दें। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है शख्स, उसका फोकस नहीं रहता। तो वो मेनली एक कौम को जो हमारे लिमिटेड वसाइल हैं, कौमी वसाइल हैं, उसमें अपने आप को महदूद करना, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को, अपने रहने सहने को, अपने तौर एतवार को, ये सारा महदूद करना जो है उस पॉलिसी का मकसद है, जिसमें कफायत शारी की जो है ना वो एक पॉलिसी जो है वो दी जाएगी। उसके जो मेन कॉन्टूर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस कमेटी में जो थे वज़रा, जिस तरह मैंने आपको बताया है, और इस कमेटी के सेक्रेटरी जो थे सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो थे। और इसमें जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसके कन्वीनियर, और मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ एविएशन एंड रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ पावर डिवीजन, मिनिस्टर पेट्रोलियम और सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चार सेक्रेटरीज थे और एक दो तीन चार दस जो है इसमें मिनिस्टर्स थे। इसमें जो एस्टिमेट्स हमने बनाए हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। 56 अरब, ये तखमीना जो है ना 15-20% कम रखा गया हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं किया गया हुआ। और दूसरा जो है वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो है वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए, लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। हमारे यहाँ पे पंखे जो पुराने हैं वो तकरीबन 120 से 130 जो है ना वो कंज्यूम करते हैं वाट्स बिजली जो है, जो भी बिजली का वो है यूनिट जो है। जो अब पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं, जो पंखे जो उसके वो तकरीबन 40 से 60 कर रहे हैं, तो तकरीबन आधा आधा जो है फ़र्क, बल्कि दुगना फ़र्क है। इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। उसके बाद ये बल्ब जो है, जो आपने ये यहाँ लगे हुए हैं, ये एलईडी बल्ब्स हैं, और जो पुराने बल्ब थे जो ट्रांसपेरेंट थे और बीच में उनका वो जो भी होता है जो एलिमेंट जो है इनकैंडेसेंट, जी सर बल्ब जो है, पार्डन माय इग्नोरेंस, तो उसमें 23 अरब रुपए का जो है ना बचत है। उसके बाद जो है ना ये तो सीधा सीधा जो है ना वो कैश की बचत है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है, ये तकरीबन जो है ना 3,300 और 6,200 तकरीबन 8,000-9,000 मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं। उससे आप हिसाब लगाएं कि फ्यूल की कितनी आपकी बचत होगी। जो एनर्जी हमारी फ्यूल के ऊपर है, ज़्यादातर फ्यूल के ऊपर है, आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल्स के ऊपर, लेकिन जब तक है हमें ये इकदामात जो हैं ज़रूरी हैं।
आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है ये हम तकरीबन इस वक्त 28 अरब यानी बिलियन 28 अरब रुपया मंथली जो है हम इसकी पेमेंट ये सेविंग होगी। अच्छा दूसरे उसके बाद आ जाती है कि ये कॉनिकल बैफल्स जो हैं ये इसमें डालते हैं आप गीजर के अंदर जो है ना उसकी एक कैंपेन हम चला रहे हैं कि जो गैस देने वाली कंपनीज हैं वो ये प्रोवाइड करेंगी जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक और बिल में जो है ना इसकी जो है ना ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है ये बल्कि महंगी चीज़ है ही नहीं है ये उससे जो है ना हमें 92 अरब रुपया साल का जो है ना बचेगा 92 अरब रुपया। अच्छा और ये स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर अल्टरनेट जलाई जाएं यानी जो लगातार एक ही रो में जो है वो ना जलाई जाए एक जलाई जाए दूसरी जो है ना जलाई जाए उससे 4 अरब रुपए की जो है बचत है। और ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बल्कि आहिस्ता नहीं एक कम बड़ी महदूद मुद्दत के अंदर जो है हम बाइक्स जो हैं जो प्रेजेंटली जो पेट्रोल पे चल रही हैं वो फेज़ आउट हो जाएंगी उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं आ जाएंगी। उसकी ऑलरेडी इम्पोर्ट स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त जो बाइक्स की कंपनीज हैं उनके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है कि वो उनको फेज़ आउट करके और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं उनको भी अगर मॉडिफाई किया जाए तो वो भी हो सकें जो है उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। ये सारी बातें जो है ये अल्टीमेटली ये अगर आप इनको ट्रांसलेट करें तो सैकड़ों अरब रुपया जो है ना वो बचत होती है। इसे इसके और भी जो है ना वो इसमें लवाजमात हैं लेकिन इसको जो है वो आगाही के लिए आवाम की आगाही के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन जो है जो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अवेलेबल होगी वो चलेगी वहाँ पे ताकि लोगों को इसकी आगाही हो सके। इसके लिए जो भी मीडिया के लवाजमात हैं या जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काम लिया जाएगा। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन आ जाती है हमारे 69% वाटर जो है हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है वो पानी जो है वो ज़्यादातर जो है बल्कि ज़्यादातर नहीं तकरीबन 100% जो है फ्लड इरीगेशन के ज़रिए होता है। फ्लड इरीगेशन एक तो पानी जो है बहुत तकरीबन 80-90% उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो सेव होगा। दूसरा ये है कि फ्लड इरिगेशन से जो है ना ज़मीन के ऊपर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम सारे नीचे चले जाते हैं।